सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो जिसमें 35 से 40 बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि सरकार ने अभी स्कूल कॉलेजों में बच्चों को पढ़ाने को लेकर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है और इसके साथ साथ किसी भी तरह के कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट में भी बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो आज सुबह का है जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से छोटे छोटे विशेष समुदाय के बच्चे फरीदाबाद के बसंतपुर क्षेत्र में पढ़ रहे हैं और उन्होंने कोई मास्क नहीं लगाया हुआ है। मस्जिद के साथ लगते इस मकान में करीब 40 से 45 बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ पर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। हमारी टीम जब उस जगह पहुंची जहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और उस शिक्षक से बात की तो मोहम्मद वकील नामक इस इस्लामिक शिक्षक का कहना है कि उसने सिर्फ आज उन्हें बुलाया है क्योंकि ईद आने वाली है और इन बच्चों को घर से 10-10 रुपए लाने को कहा गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो कुछ अलग ही हकीकत बयां कर रही है। ये बच्चे पढ़ नहीं रहे थे सर, वो आज जुमरात थी, 10-10 रुपया जो है हम लेते हैं, जुमरात बकराईद आ रही है तो हमारा थोड़ा खर्चा वर्चा नहीं था हमारे पास, तो बच्चों से 10-10 रुपया घरों से मंगाए थे आज, तो मैं बकराईद हमारी थोड़ी अच्छे से मन जाएगी, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं पहले लॉकडाउन से पहले हम बच्चे ही पढ़ाते थे जी। तो बहुत दिन के बाद आज बच्चों को बुलाया था, परसों है ना बकराईद, तो पैसा नहीं थे तो बच्चों से 10-10 रुपये मंगा के घरों से, तो हमने अपने खर्चे के लिए 10-10 रुपये मंगाए। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और इसके साथ साथ जब हमने इसके साथ लगती नजमा जामा मस्जिद में कुछ आवाज सुनी और देखा कि वहां पर भी इमाम साहब अंदर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज दोपहर को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने घर में कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो वहाँ पे एक ट्यूशन पहले पढ़ाते थे, 3-4 महीने लॉकडाउन से बच्चे आए नहीं थे, तो आज उन्होंने करीब 20-25 बच्चों को अपने घर में कमरे में इकट्ठा किया हुआ था उर्दू का ट्यूशन पढ़ाने के लिए। 188 की कार्रवाई हमने उनके खिलाफ की है, किसी भी बच्चे ने या टीचर ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता ACP धारणा यादव ने बताया कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे शिक्षक को गिरफ्तार कर 118 की कार्रवाई कर दी गई है और जो मौलवी मस्जिद में पढ़ा रहे थे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आई है, अगर उसके खिलाफ कोई शिकायत या वीडियो आता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे ये साबित हो पाए कि वहाँ रेगुलर बच्चे आते थे। जितनी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है उससे यही पता चल रहा है 4-5 महीने से वो बंद था, इस तरह की कोई एक्टिविटी वहाँ नहीं थी जब से लॉकडाउन हुआ है। आज ही उन्होंने बच्चे बुलाए थे, पुराने कोई टीचर है और वो मस्जिद में नहीं अपने घर में उसने बुलाए थे, मस्जिद के बगल में उसका घर है, घर में बच्चे पढ़ने के लिए बुलाए थे, छोटे बच्चे 4-5 महीने के गैप के बाद, और मास्क क्योंकि उन्होंने किसी ने नहीं लगाया हुआ था, इकट्ठे बैठे थे। टीचर का ट्यूशन का काम शायद 4-5 महीने से बंद था तो पैसों की तंगी थी, इसीलिए वो 10-10 रुपये में ट्यूशन पढ़ा रहा था, उसने बच्चे बुला लिए, उनकी 188 की कार्रवाई की गई है। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।